फोटो भी लेना थैंक यू भाई पकड़ भाई पकड़ ये पकड़ मोबाइल पकड़ ना। और उस कोशिश में कामयाबी जब मिलती है तो उससे बेहद खुशी कुछ नहीं होती। और आज हमारा लिट्टी चोखा का फर्स्ट लुक आसकी का फर्स्ट लुक जारी हुआ है और आप देख ही सकते हैं मेरा अवतार। तो आसकी में बहुत सारे अवतार हैं मेरे और एक रियल बेस पे कहानी है और मैंने बड़ा प्यार से इसको सजाया भी है, कोशिश की है, क्योंकि ये कहानी रियल बेस की है और ये कहानी शिवान की है। एक जातिवाद की जो लड़ाई हमारे समाज में होती रहती है उसी पे आधारित ये सिनेमा है कि हमें जाति से पहले हम इंसान पैदा हुए हैं और हमें इंसान पैदा हुए हैं तो हमें इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। उसी बेस पे कहानी है। अगर हमारी कहानी से कुछ ना मिले तो फिर कोई मतलब ही नहीं हमारे काम करने का। और प्रदीप भैया के साथ ही मेरी तीसरी मूवी है। पहले हमने किया था इनके साथ डमरू, दूसरा लिट्टी चोखा और तीसरी आसकी। और अमरपाली जी के साथ एज ए लीड मेरा ये पहला सिनेमा है। ऐसे तो मैंने गाने उनके साथ किए हैं 2-3 फिल्मों में, बट पहली बार हम उनके हीरो बन के पर्दे पे आ रहे हैं उनके साथ। तो ये बड़ा खुशी की बात है कि एक अनुभवी एक्टर के साथ जब आदमी काम करता है तो दोनों का अनुभव शेयर होता है और दोनों का अनुभव जो मिलता है तो अच्छा काम होता है। प्रदीप सर, आपको भी बहुत सारी बधाई थैंक यू स्पेशली आशिकी के पोस्टर के लिए। जी जी, कितने एक्साइटेड हैं इस समय आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और पूरी टीम एक्साइटेड है, क्योंकि लिट्टी चोखा को जो सफलता मिली है और उससे ये हम लोग तो यही मानते हैं कि कम से कम 5 times ऊपर की फिल्म है आसकी, तो बहुत एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। और क्या खास इस बार हम आशिकी में देखने को हमें मिलेगा खेसारी जी का? वैसे तो दो लुक बहुत बेहतरीन, जैसा सर ने बोला है, खेसारी जी ने बोला है, तरह तरह के अवतार इसमें मिलेंगे, तरह तरह का गंजर मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है और सोच से ऊपर की फिल्म। बिल्कुल खेसारी सर, आपके सामने 2 पोस्टर हैं और आपने बताया कई तरह के किरदारों के साथ आप इस फिल्म में हैं, आपका फेवरेट कौन सा रहा और क्यों? देखिए, एक किरदार का फेवरेट और एक कलाकार की फेवरेट कुछ नहीं होती है। हम जो रोल को अदा करते हैं उसमें सफलता मिलती है तो हमारे लिए फेवरेट वही चीज़ें हो जाती है। तो हमारे जनता को क्या फेवरेट और हमारी किस लुक में हमें वो पसंद करते हैं उन पर निर्भर करता है। मैं तो एक वर्कर की तरह हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने अपना काम किया है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हिसाब से जब मुझे 4 सुबह तक जगाना है तो मुझे जगना है क्योंकि मेरा काम है। मुझे 5 सेट पर जाना है तो मुझे जाना है क्योंकि मेरा काम है। तो मैंने कोशिश की है अच्छा काम करने की। अब कौन सी चीज़ें लोगों को पसंद आएगी, मुझे तो दोनों चीज़ें पसंद है। अपना बेटा किसको पसंद नहीं आता है, तो ये मेरे बेटे की तरह है, मेरे पिता की तरह है, मेरी माँ की तरह है। ये संगीत और ये कहानी, ये फिल्में, हमारी भाषा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए उत्तम है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.